तो हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है छुट्टी। तो छुट्टी के दिन एज पर एज आवर रूल आज हम 12 बजे उठ चुके हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अब खाने का टाइम हो चुका है, तो हम लोग का प्लान बन रहा है कि कैंटीन में जाके कुछ खाएंगे, क्योंकि मेस का तो डेली खाते हैं, आज थोड़ा कहीं बाहर का खाया जाए जिससे कि थोड़ा मूड रिफ्रेश हो। और देखा जाए अभी क्या खाते हैं हम लोग कैंटीन में। वैसे तो कैंटीन का इस समय आलू पराठा बढ़िया मिलता है, देखा जाए खाते हैं कि नहीं। उमर भाई हमारे साथ चल रहे हैं कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल, कैंटीन चल रहा है। उमर भाई खिला रहे हो ना भाई? खा लेंगे भाई। पार्टी बदल लिया साला। खिलाने वाले आप हैं, आप कमा रहे हैं यूट्यूब से पैसा। आप कुछ भी ये कोई सेंस बनता है इस बात का? 100 सब्सक्राइबर अभी तक हुए नहीं और यूट्यूब से पैसा, मतलब कि लॉजिक ही नहीं। कुछ लॉजिक बनता है इस बात का? उमर भाई बताओ भाई, कुछ लॉजिकल बात किया करो यार। कहाँ से पैसा है यार? बहुत पैसा है। 100 सब्सक्राइबर अभी 54 के लिए हम घर जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है। यहाँ पे घर जाने के लिए हम पैसा बचा रहे हैं कि कैसे कैसे हम घर पहुँच जाए। आदमी यार इसीलिए बोलते है पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तो भाई लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग हैं कैंटीन में, जो कि बाहर आए थे खाने, उसलिए अभी कैंटीन में है। यहाँ देख सकते हो पूरा कैंटीन खाली है। आज के दिन संडे है ना, इसलिए पूरा कैंटीन खाली है। लगभग 2-4 बच्चे ही आए होंगे, जो कि हम लोग की तरह हॉस्टल के मारे होंगे खाना के। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का खाना आ चुका है, खाना नाश्ता आलू पराठा, जो कि कल भी खाए थे, अच्छा लगा था इसलिए। तो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं उधर से सारा काम वगैरह करके, और असल में अभी 4 बज चुका है। थोड़ा बहुत जितना पढ़ना था पढ़ लिए, बाकी थोड़ा ही बहुत पढ़ पाए, क्योंकि थोड़ा टाइम एडिटिंग में चला गया, थोड़ा टाइम रील्स देखने में, थोड़ा टाइम नहीं, रील्स में हम काफ़ी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो रील्स में ही आधा से ज़्यादा टाइम चला गया, एडिटिंग में चला गया। और थोड़ा बहुत जो पढ़ लिए हैं देख सकते हो अपना, ये सबसे ख़राब मेरा ही मिला है, ये देख सकते हो यहाँ पे टूटा हुआ है, और कुर्सी भी मेरे साथ को दिखो। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुर्सी भी मेरा टूटा हुआ है यहाँ पे भी, और ये टेबल में भी दिक्कत ही है, यहाँ से ये उठ जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाकी कोई बात नहीं, संघर्ष ही जीवन है। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो पढ़ाई हुआ है वो हुआ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो वह अब तो थोड़ा बहुत यही सब हुआ है, बाकी ऐसे ही कुर्सी टूटा वूटा है, क्या कर सकते हैं, अब इसी में जीना है। बाकी आज उमर भाई का बहुत मेहनत हो गया, बहुत कपड़ा धोए आज, हमको लग रहा है पता नहीं पूरे हॉस्टल का आज धो लिया कपड़ा, पता नहीं कितना धोए भाई। 2 बजे से गए थे धोने, 4 बजे आए हैं धुल के, पता नहीं आज कितना कपड़ा धोए भाई। जब से आए थे तब से लग रहा है 1-2 महीने का कपड़ा सारा बिटोर के रखे हुए थे, तब आज धुलाए हुआ है। मतलब 2 घंटा तो हमको नहीं लगता कि इतना टाइम लगना चाहिए। खैर वैसे भी यहाँ पे धोबी 2 दिन पे 1 बार आता है, तो उमर भाई बिजनेस चालू कर दिए शायद से। खैर देखा जाए क्या क्या होता है, कम से कम कहीं ना कहीं से तो प्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा ना, इस कॉलेज से प्लेसमेंट तो राम भरोसे है, तो देखा जाए क्या होता है। अभी हम लोग 4 बज चुका है गाइस, अभी 4:10 हो चुका है, तो अभी सो जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो सोने का टाइम हो गया ये। खैर अगर क्या करना चाहिए यही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर आज नहीं सोएंगे, चलो आज दिन में नहीं सोएंगे, बाकी दिन की तरह नहीं, आज दिन में नहीं सोएंगे। तो गाइस अब हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, और आज आसिफ भाई का कुछ त्योहार था, तो उनसे थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए। क्या था आसिफ भाई आज? हेलो गाइस, मेरा नाम आसिफ अली, जैसा कि आज देख रहे हैं कि आप लोग ईद मिलादुन्नबी था, मैं सोच रहा था घर जाने के लिए पर जा नहीं पाया, ख्वाहिश ही रहेगी मेरी, देखिए इंशाल्लाह अगली बार जाया जाएगा। मेरा भी वो कुछ वही प्लान था, असल में हम सब का वही वाला प्लान था ना, कि 29 से लेकर 3 तक चले जाए, बाकी वो आईटी की वजह से गड़बड़ हो गया, सबका वही था, चारों आदमी गड़बड़ कर दिया था, आईटी गड़बड़ कर दिया, हमको लगा किसी को पता चल गया है, कोई लीक कर दिया इन्फॉर्मेशन। जिसान भाई, तो भाई लोग जिसान भाई का प्लान था, सबका प्लान था, तो कौन लीक किया जिसान भाई? क्या पता यार, इतना मन था हम लोग सबको को जाने का, कोई जा ही नहीं पा रहा है यार। 5 दिन की छुट्टी, इतना मस्त हम लोग घर जाते हैं, अपना घर का खाना खाते हैं।
हाँ यहाँ जहर खाते हैं। अब तो खैर स्वाद भी चला गया, स्वाद भी चला गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, कैसा घर का खाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में एड हो गया है, अब बढ़िया खा रहे हैं। इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिए अपने अंदर, इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो गए हैं लोग। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जहर खाने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब कुछ भी हम लोग खा सकते हैं क्योंकि रोज जहर खाते हैं। ठीक है, खाना भी अब अच्छा लग रहा है धीमे धीमे। सही पकड़े हैं। बाकी गौरव भाई से पूछा जाए, गौरव भाई को अब खाना कैसा लग रहा है? गौरव भाई भाग कह रहे हो यार, खाते हो ना? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करो भाई, पूछ रहे थे अब तो तुम भी खाना खा ले शुरू कर दियो यहाँ का, खाते हो ना? मजबूरी है भाई, नहीं खाओगे तो फिर मर जाओगे, तो खाना बहुत जरूरी है। अच्छा, खा के मरे, मरे मर ही रहे हैं तो भाई खा पी के मरे पेट भर, ऐसे कहा मर गया। घर वाले दिए मान चलो 1 लाख रुपया, खाए पी नहीं रिवील करना था ना यार, काहे नहीं रिवील करेंगे यार, फ्री में थोड़ी रह रहे हैं। 1 लाख रुपए कुछ होता है गाइस, 1 लाख रुपये इतना है, इसका कीमत नहीं होगा ब्रदर का, जितना गजब बेइज्जती है। फिर से किसी घर वाले यहाँ भेजे है, कोई बात नहीं, अभी तो आदत पड़ गई है खाने की और ठीक है यहाँ करते हैं। अब इसी में कुछ कराना पड़ेगा तुम्हारा, वैसे घर तो हम जा रहे हैं भाई, तुम लोग जा रहे हो कि नहीं घर? मैं घर नहीं जा रहा हूँ। हाँ खैर, इसका घर तो दूर है, एक दिन तो आने जाने में लग जाएगा बेचारे को, मेरा तो 6 घंटे का रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं मम्मी पापा इतना दूर क्यों रहते हैं भाई, पास रहते जाके तुरंत मिल लगाते घर चले जाते। ये कह रहे थे कि पता नहीं क्यों मम्मी पापा इतना दूर रह रहे हैं, पास रहते तुरंत मिल के आ जाते भाई। अगर मुझे जाना है तो मुझे कम से कम एक दिन जाने में लगेगा, एक रात, फिर वहाँ पे सुबह पहुँचूंगा तो उस दिन पूरा ट्रैवल का वो हेक्टिक रहता थोड़ा सा, और फिर आने का भी है तो तुम ही दिखा लो भाई अपने आप को। नहीं भाई बोलो, तो ऐसा है तो फिर वहाँ पे आने के लिए अगर मैं सुबह आता हूँ 7 बजे, 7-8 बजे की ट्रेन आती है, अगर मैं 8 बजे उस ट्रेन से आऊँ तो वो भी दिन में पूरा वेस्ट होगा क्योंकि एडमिशन नहीं हो पाया। क्या बोला तूने? सॉरी, अटेंडेंस का इशू हो जाएगा, अटेंडेंस उस दिन नहीं मिल पाएगी, तो 2-3 दिन जाएगा, 2 दिन तो ऐसे जाएगा है श्योर कि 2 दिन जाएगा, और फिर वहाँ पे जाके 2 दिन खुश रहेंगे, फिर 2 दिन मुंह बना के रहेंगे। वही बात है, वही बात है। और यहाँ पे सबका अच्छा है भाई, मस्त जाते हैं, घर घूम के आ जाते हैं। नहीं भाई, हमारी आज मम्मी भी कह रही थी घर आने के लिए, लेकिन किस्मत ही, कोई बात नहीं, होता है, यही जिंदगी है, संघर्ष जीवन है। यही जिंदगी कुछ नहीं भाई, मत जाओ घर ना भाई, हमारे घर पास है तो हम जाएंगे भाई, ज्यादा बोलोगे ना। कोई बात नहीं, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी खाइए पीजिए मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन हॉस्टल आ जाएंगे ना, तो खुद अपने आगे पढ़ने लगेंगे। हॉस्टल नहीं, ऐसे कॉलेज में? नहीं नहीं, हॉस्टल में रहोगे तो आप पढ़ोगे, कॉलेज में तो कई लोग जाते भी हैं तो पढ़ते उड़ते नहीं है। क्यों भाई, ये तुम हमको क्या बोल रहे हो? तुमको क्या बोले यार, तो खूब खाइए पीजिए और खुश रहिए, मस्त अपना जीवन व्यतीत कीजिए, और डेली नहाइए क्योंकि नहाना इज वेरी इम्पोर्टेंट। हर बॉडी भाई, हम तो रोज नहाते हैं, हमको क्या देख के बोल रहे हो? ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करिए वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें। भाई चैनल कैसे लाइक होगा, साथ बोलो, लाइक शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए जरूर से, अगर आपको कुछ भी नया चाहिए इस ब्लॉग चैनल पे, नया तो नहीं मिलेगा, नहीं यही है सर, हमें मिलेगा यही लोग, हाँ, मिलेंगे यही गंदा सा थोबड़ा मिलेगा, इसका गंदा होगा भाई, हमारे घर वाले, हमारी मम्मी हमको राजा बेटा कहती है, इसकी पता नहीं। नहीं भाई, वो तो हमको भी कहती है, और वही एक करती है, वही एक करती कहती है भाई, अभी भी कहती है, हाँ भाई बहुत कहती है। और जो भी आपको नया चाहिए इस चैनल पे आप कमेंट मांगिए जरूर, हाँ हो सकता है कि आपकी जो मांग हो पूरी ना हो, और वही होगा, पर आप कमेंट करिए, हमको पता चलेगा कि आपको देखना क्या है, और आपके ब्लॉगर भैया कोशिश करेंगे उस चीज को लाने के लिए, बस गार्गी को छोड़ के लड़की को छोड़ के सब लड़की नहीं रहेंगे, लड़की लड़की दिन भर लड़की, अरे क्या लड़की लड़की कहो जी, शांत रहो ना, एक तो किस्मत इतना खराब है, एक लड़की नहीं होती, ऊपर से लड़की लड़की किए जा रहे, लड़की कुछ नहीं होती है, यही बात है, आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा अपने घर जाएगा, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं भाई, पढ़ाई करने आए यहाँ पे, और अभी तो आदत हो गई खाने की भी, हॉस्टल की भी, तो खूब अच्छे से खा रहे हैं पी रहे हैं, मस्त अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के इन्वायरमेंट में थोड़ा एडजस्ट कर पाए,
उपचीज कर सकते हैं, हो नहीं सकते हैं क्यों भाई? हाँ भाई धीरे धीरे हो जाएंगे, 4 साल यहीं पे रहना है। डेढ़ महीना में तो नहीं हुए, पता नहीं अब कब होंगे, हो जाएंगे। नहीं हुए तो डेढ़ महीने में वो सब देख लिए हैं जो अब तक जीवन में 19 साल के जीवन में अब तक नहीं देखे थे। अभी तक सब देख चुके हैं, बाढ़ से लेके सूखा तक, बिजली से लेके नॉन बिजली, अच्छे खाने से लेके खराब खाना, और फैकल्टी तो क्या बताए, इतने अच्छे फैकल्टी है ना कि कभी कभी मन करता है कि एडमिशन कैसे करा लूं। मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ यहाँ पढ़ना। कोर्स का नाम हमारे बीसीए है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।